फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स। सो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर जो है लेखपाल की फाइनल कट ऑफ के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आखिर डीवी के बाद क्या कट ऑफ रहेगी और क्यों ये मैं कट ऑफ इतनी कम रहेगी विद प्रूफ, मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को इसके बिल्कुल मत कीजिएगा और लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा कि मैं किस प्रूफ के बेसिस पर आपको ये कट ऑफ बताने जा रही हूँ। सो दिस इज़ माई चैनल बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं आखिर मैं ऐसा किस आधार पर बोल रही हूँ, आखिर क्या प्रूफ है मेरे पास कि आपकी कट ऑफ कम ही जाने वाली है। तो चलिए देखते हैं प्रूफ। ये है आपका लास्ट ईयर जो 2015 में एग्ज़ाम हुआ था लेखपाल का, उसकी कट ऑफ का बेसिस। ठीक है, तो देखिए लास्ट ईयर जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो दो बेसिस पर था। नंबर वन, 80 मार्क्स जो रिटन, मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर था उसके बेसिस पर थे, और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के बेसिस पर थे। तो चलिए देखते हैं वीडियो में आगे कि रिटन एग्ज़ाम में कितनी कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 80। तो ये जितने भी मार्क्स हैं वो आउट ऑफ क्या हैं, 80। ठीक, तो देखिए जनरल की गई थी 52, ओबीसी गई थी 50, एससी गई थी 45 और एसटी गई थी 40, मतलब जस्ट हाफ। ओके फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे कि कितनी कम कट ऑफ गई है। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि फर्दर आगे मैं आपको और भी डिटेल्स देने जा रही हूँ, तो वीडियो स्किप भी नहीं करनी है। तो देखिए, अगर हम ये मान भी लें कि प्रैक्टिकल के जो 20 मार्क्स थे वो अगर सबको फुल भी मिल गए, चलिए 1% हम मान भी लेते हैं, तो भी टोटल मार्क्स कितने बने, 52 प्लस 20, 72। किसके लिए, जनरल के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो रुकिए रुकिए, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। एक और प्रॉफिटेबल पार्ट जो है कि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था इसका 2015 में, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। यस फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना है, 2015 के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, तभी भी कट ऑफ इतना कम गया था। और आप तो जानते ही हैं कि इस बार की जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कट ऑफ में किस प्रिडिक्शन पे होगी, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग को भी ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो सो फाइनल कंक्लूजन अबाउट कट ऑफ, फ्रेंड्स मैं आपको एक बार दोबारा से याद दिला रही हूँ, अगर मेरा चैनल आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लेखपाल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ मुझे मिलती है मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए लास्ट फाइनल प्रोडिक्शन क्या है मेरा, जनरल के लिए 77 to 80 मार्क्स मोर देन एनफ है आपके लिए, ओबीसी 76 to 79 मार्क्स, एससी 70 to 75 मार्क्स, एसटी 68 to 70 मार्क्स एंड फॉर गर्ल्स 75 to 79 मार्क्स। तो फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी कि ये मार्क्स आपको डीवी तक क्लियर करने के लिए मोर देन एनफ हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू सो मच।